अरे ये बहुत पहले हो जाता, अगर ये पहले हो जाता मैं कांच की चूड़ी पहने हूँ जी। मेरी कांच की चूड़ी किसी मुसलमान भाई ने मैं फिरोजाबाद में बनाई है, तो मेरे सुहाग का प्रतीक अगर कोई चीज़ है और वो मेरे को कोई मुसलमान भाई दे रहा है तो मैं उसके लिए नफरत कहाँ से क्यों पालूँ और कैसे पालूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ मॉब लिंचिंग को लेकर प्रोटेस्ट जारी है, और इस प्रोटेस्ट के अंदर सभी उस समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग हो रही है उन घटनाओं पर रोक लगे या इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, मैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से हूँ जी। तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का अपना तारुफ जो है वो ज़्यादा बढ़िया समझती हूँ कि आज के दौर में जिस तरह से लोगों को जिस तरह की चीज़ हमें चाहिए कि सबके साथ अगर चलना है तो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट मेरे लिए ज़्यादा बेटर। निकिता जी, हमने एक आपने बहुत पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी जिसके ऊपर आपकी बिंदी का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था, लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि आप एक हिंदू समुदाय से हैं और उसके बावजूद आप समर्थन में उतरे हैं। उसी मामले को लेकर आज फिर यहाँ पे ज़्यादातर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग मौजूद हैं और फिर वही मुकाम है, फिर वही मुद्दा है। क्या कहना है मॉब लिंचिंग के ऊपर? मॉब लिंचिंग आई थिंक ये एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ सालों में जो हमारे हिंदुस्तान की जो एक सभ्यता जिसको मैं आई एम 45 नाउ, आई एम बॉर्न इन 74, मुझसे 47 से हम एक कल्चर लेके चले थे, शायद उससे पहले भी, लेकिन 47 से जो कल्चर आया था जो 74 में मैंने ग्रेस्प किया और आज तक मेरे साथ है कि जो मेरी कंट्री में जो जिस तरह का संविधान और जिस तरह के माहौल में हम चले थे हमारे साथ सब थे, और आज जब हम बहुत एडवांस हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, हम लोगों के लिए जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, सहूलियतें हैं उनके विकास के लिए है, बहुत कुछ करने को बाकी है अभी देश में, और उसके बाद जो है पुराने लोगों का या एक धर्म के नाम पे सिर्फ किसी को मार देना, किसी को उसको बेइज्जत करना, एक्चुअली मुझे लगता है कि आज की डेट में हर आदमी असंतुष्ट है, नौकरियाँ नहीं हैं, आप मान लीजिए एक घर से बेकार है या कुछ भी है, तो वो जो सारा दिन हम इसके ऊपर अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी दुनिया बदलते हैं ना, ये वो जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इन फ्रस्ट्रेटेड लोगों में मैं आज की डेट में मैं आपको बता दूं इसमें प्रोफेसर्स भी शामिल हो चुके हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं सो कॉल्ड खुद को बहुत एलीट मानने वाले लोग जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, एंड दे आर हैप्पी कि अभी जो हो रहा है, मगर ये होना चाहिए, अरे ये बहुत पहले हो जाता, अगर ये पहले हो जाता मैं कांच की चूड़ी पहने हूँ जी। मेरी कांच की चूड़ी किसी मुसलमान भाई ने मैं फिरोजाबाद में बनाई है, तो मेरे सुहाग का प्रतीक अगर कोई चीज़ है और वो मेरे को कोई मुसलमान भाई दे रहा है तो मैं उसके लिए नफरत कहाँ से क्यों पालूँ और कैसे पालूँ। मेरे दिल में अगर वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, और मैं मुझसे कई लोग, क्योंकि फेसबुक पे मैं बहुत प्रो मुस्लिम मानी जाती हूँ, लेकिन मैं प्रो मुस्लिम नहीं हूँ, मैं प्रो इंडियन हूँ। कई बार ट्रोलिंग भी हुई है आपकी? ट्रोलिंग मैं बहुत कुछ सुना है, मैंने हलाला की पैदाइश और ये वो, पर वो उनका माइंडसेट है, वो जिनको वो एक्चुअली उनके घर से संस्कार यही मिलते हैं कि माँ की भी इज्जत मत करो, क्योंकि माँ तो जिस दिन माँ बनती है तभी इज्जत करनी है ना, माँ बनने से पहले इज्जत मत करो, और माँ बन गई तो फिर तो उसको सारे दिन त्याग करने ये करने तो आप तब भी मत करो, तो एक्चुअली वो लेडीज़ का रिस्पेक्ट तो उनके अंदर है भी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, ऐसे लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर ये कर भी लेंगे तो मेरे में कुछ बढ़ नहीं हो जाएगा, लेकिन आज के दौर में जो हमारा अपना समाज है, जिस तरह के लोगों में हम उठ बैठ सो लेट रहे थे, वो जो हमारा अपना परिवार था 2896, ये अभी आपका जो हौजकाजी में एक इंसिडेंट हुआ उससे बस थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मेरा ननसार है, मेरा मायका है जी, मेरी मदर का मायका है, मेरा ननसार है, और मैंने बहुत बचपन बिताया वहाँ पे, तो जब ये हो रहा था तो रात को 2 बजे से हमारे पास वीडियोज़ आ रही थी, और मैंने अलका लांबा को फ़ोन किया, थाने में फ़ोन किया, अलका जी ने एक लाइव वीडियो भी किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, तो मैं अगर वो डर फील कर रही थी तो उस दिन मैं इस चीज़ को एहसास कर सकती हूँ कि जिन लोगों के यहाँ लिंचिंग हो रही है, जिनके अपने लिंचिंग्स में मारे जा रहे हैं, वो उस वो माहौल आप सोचिए कि जब एक भीड़ खड़ी है और एक सामने एक आदमी तड़प रहा है, रो रहा है, और आपके अंदर जो है दिल में उसके लिए टीस नहीं है, उसके लिए प्यार नहीं है, आपको हमदर्दी नहीं है, आपको खून देख के मज़ा आ रहा है, तो आप जानवर बन चुके हैं, अपने आप को इंसान कहना बंद कीजिए। निकिता जी, जो इस वक्त आपको देश के अंदर लोग देख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांग मैसेज देने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या स्ट्रांग मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जो दिल से आप मैसेज देना चाहते हैं और लोगों की समझ में आ सके? देखिए, दिल से तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो आज़ादी के बाद हमें जो देश दिया गया, जिन लोगों ने उस टाइम इस देश को बनाया,
वो एक बहुत अच्छा विजन लेके चले थे, उन्हें पता था कि हम इस तरह से चलेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। आज अर्थव्यवस्था तक की जो हालत हो गई है कि मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में अगर बैंक RBI ने ये लोन दे दिया तो उसके बाद हम जितनी बहनें हैं आपकी और जो भाई भी सोना चांदी पहने, किसी दिन हमारे से हमें भी यही देना पड़ेगा देश के लिए, क्योंकि हर चीज़ राष्ट्रवाद के नाम पे आप लिए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पे वो जो एकता थी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की थी, उस चीज़ को हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। तो जब हम अगर हमारे अंदर अपने पड़ोसी के लिए, अपने साथ रहने उठने वालों के लिए थोड़ी सी भी दया, थोड़ा सा भी प्यार और एक अपनापन, अगर जब तक हम वो नहीं जगा लेते हैं, हम जानवर बन रहे हैं, हम बन चुके हैं। मैं मेरा अपना ये मानना है कि इसके बाद कुछ नहीं रह जाता, आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप खून देख के खुश हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने के लिए निकिता जी। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट निकिता जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम इस देश के अंदर जब हमारे पास में सब कुछ है, हम लोग अकेले हो चुके हैं और ये अकेलापन बहुत भयावह होता है, बहुत डरावना होता है। जो लोग खून देखकर खुश हो जाते हैं उनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं, और अगर आपको खून देखने में मज़ा आता है तो उम्मीद कीजिए कि एक दिन वो आएगा जिस दिन आपके अपने घर के लोगों का खून आपकी सड़कों पर बहने लगेगा, उस दिन आपको शायद दर्द होगा। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।